please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं नवजोत। भारत के खिलाफ हर साजिश नाकाम होने से पाकिस्तान बौखला उठा है। इसका नमूना पाकिस्तान के पंजा साहिब गुरुद्वारे में देखने को मिला है, जहां हर साल की तरह इस बार भी वैसाखी मनाने हजारों सिख श्रद्धालु पहुंचे। लेकिन पाकिस्तान गुरुद्वारे की आड़ में पंजाब में खालिस्तान की आग भड़काने की कोशिश हो रही है। इस साजिश का ब्लू प्रिंट ISI ने बनाया है, जिसे अंजाम देने की जिम्मेदारी आतंकी हाफिज सईद को दी गई है। इस साजिश का पर्दाफाश न्यूज 18 इंडिया को मिले एक वीडियो से हुआ है, जिसमें हाफिज के एक गद्दार सरदार की करतूत दर्ज हुई है। जिहाद का दौर शुरू हो चुका है और तुम्हें 71 का जमाना याद है और आज जिहाद का दौर शुरू हो चुका है। भारत के खिलाफ आग उगलकर भी नाकाम हुआ हाफिज। ये कश्मीर की आजादी बहुत बड़ा मसला है। हिंदुस्तान में आतंकी भेजने वाली ISI को मिला मुंहतोड़ जवाब। मक्की जैसे हाफिज के हर कमांडर हुए फेल। प्रोफेसर के तौर पर अब जरूरत पड़ी तो अल्लाह की तलवार बन के उतरा मैदान। बार बार नाकामी से बौखलाए हाफिज ने चला नया दाव। ये जालिम सारे पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान पे हाथ साफ करना चाहते हैं। ISI की मदद से पंजाब में शोले भड़काने की साजिश। भारतीय सेना के ऑपरेशन ऑल आउट ने पाकिस्तान को बुरी तरह पस्त कर दिया है। आतंक के आकाओं के हौसले इस कदर टूट चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में वो अब आतंक भड़काने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने भारत में आतंक की आग भड़काने के लिए एक नया रास्ता चुना है और निशाने पर है पंजाब, जहां खालिस्तान आतंकियों को हवा देने की कोशिश तेज हो गई है। पंजाब में खालिस्तान के बुझ चुके शोलों को फिर भड़काने के लिए पाकिस्तान पूरी ताकत लगा रहा है। ISI पर्दे के पीछे काम कर रही है और उसने अपनी साजिशों को अंजाम देने की जिम्मेदारी आतंक के आका हाफिज सईद को सौंपी है। भारत के खिलाफ हाफिज का हर मोहरा पिछले 2 साल से लगातार नाकाम हो रहा है। घाटी में उसके सभी कमांडर ढेर हो चुके हैं और सीमा पार बैठे उसके मोहरों की हर चाल अंजाम तक नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए खालिस्तान की आग भड़काने के लिए उसने एक नया मोहरा चुना है, जिसका नाम है गोपाल सिंह चावला। गोपाल सिंह चावला पाकिस्तान में पंजाबी सिख संगत का अध्यक्ष है। ISI और हाफिज ने एक शातिर चाल चलते हुए खालिस्तान की आग भड़काने के लिए गोपाल को अपना मोहरा बनाया। गोपाल सिंह चावला हाफिज का पुराना साथी है। उसे कई मौकों पर हाफिज सईद के साथ देखा गया है। हाफिज के अलावा वो लश्कर के नंबर 2 अब्दुल रहमान मक्की के साथ भी कई दावतों में देखा जा चुका है। यही नहीं, हाफिज की पार्टी मिली मुस्लिम लीग की बैठक में वो पार्टी अध्यक्ष सैफुल्ला खालिद के साथ मंच पर भी नजर आ चुका है। हाफिज ने जब से सियासी पार्टी बनाने का ऐलान किया है, गोपाल उसके करीब आ गया है। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में गोपाल ने हाफिज से अपने रिश्तों की बात खोलकर कबूल भी की है। ਪਟੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਚ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਗਦੀ ਹਮ ਆਂਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਬਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਬਵੇ। ISI ने खालिस्तान की आग भड़काने की जो साजिश रची है, उसका पर्दाफाश पाकिस्तान के पंजा साहब गुरुद्वारे से हुआ है, जहां बैसाखी मनाने भारत के 1800 श्रद्धालु पहुंचे हैं, जिनसे मिलने पहुंचे भारतीय राजनयिकों को गुरुद्वारे में दाखिल नहीं होने दिया गया। ISI ने यह हरकत गोपाल सिंह चावला के जरिए अंजाम दी।
क्या आईएसआई की करतूत का पर्दाफाश करने वाला न्यूज 18 इंडिया का वो वीडियो है जिसमें गोपाल सिंह चावला को साफ देखा जा सकता है? ये गुरुद्वारे की वो जगह है जहां से गुरुद्वारे में दाखिल हुआ जाता है। यहां पहुंचे भारतीय राजनयिकों को गोपाल ने अंदर दाखिल नहीं होने दिया। इस दौरान भारतीय राजनयिकों ने गोपाल को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन गोपाल ने उनकी नहीं सुनी और भारतीय राजनयिकों की टीम को गुरुद्वारे के दरवाजे से ही लौटा दिया। गोपाल सिंह चावला जो हैं पाकिस्तान के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, बिल्कुल हाफिज सईद के साथ हैं और हमेशा उनके साथ हैं, रहे हैं और देखे गए हैं। तो यही वजह से है कि उन्होंने साफ कहा है कि इनको किसी तरह से नहीं घुसने दिया जाए, और खास मुद्दा ये था कि उनकी एक किस्म से बेइज्जती करने तक। भारतीय राजनयिकों को गुरुद्वारे में दाखिल होने से रोकने पर भी गोपाल ने अपनी सफाई दी। यही नहीं, वो खुलेआम इसे जायज भी ठहरा रहा है। कल एक वीडियो सामने आई है, तुसी कुछ अधिकारियों नु रोक रहे सिगे, इंडियन अधिकारियों नु, की मसला क्यों रोकया जा रहा सिगा? मसला इस करके सी कि एना ना असी इस करके रोकया के बाहर दुनिया दे विच विच जेड़े इंडिया कॉन्सुलेट आले है ना जी, जी जी, खिलाफ प्रोटेस्ट है, कहीं पे सिख धर्म दे खिलाफ बोल दे या सिख धर्म दे खिलाफ कर दे, इस करके एना फिर पंजा साहब दे विच गोपाल ने सरेआम भारतीय राजनयिकों को गुरुद्वारे में दाखिल होने से रोक दिया, जबकि भारत सरकार ने इसके बारे में पाकिस्तान सरकार को पहले से जानकारी दी थी। इसके बावजूद गोपाल ने अगर भारतीय राजनयिकों को गुरुद्वारे में घुसने नहीं दिया तो इसका मतलब साफ है कि उसे पाकिस्तान सरकार ने ऐसा करने के लिए कहा था। पाकिस्तान ने जो भारत के अधिकारी हैं पाकिस्तान में उनको पंजाब साहब जाने की इजाज़त नहीं दी, इसलिए कि वहाँ पे काफ़ी पोस्टर्स लगाए गए थे खालिस्तान के पोस्टर्स भारत के खिलाफ, और इसके अलावा जो है वो उनको ये भी शक था कि कहीं वहाँ जाकर के भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं वहाँ से कुछ ऐसी खबर हासिल करें जिससे पाकिस्तान को जो है शर्मिंदगी महसूस हो। गोपाल और हाफिज की तस्वीरों से साफ कि वो हाफिज का काफी नजदीकी, यही वजह है कि हाफिज ने उसे खालिस्तान की आग भड़काने के लिए चुना, क्योंकि गोपाल हाफिज का भरोसेमंद साथी है और दोनों बरसों से एक दूसरे की जरूरत पूरी करते रहे हैं। आईएसआई ने पंजाब के रास्ते आतंक फैलाने की साजिश काफी पहले ही रच ली थी, इसीलिए पंजा साहिब में भारतीय श्रद्धालुओं के पहुंचने से पहले ही वहां खालिस्तान से जुड़े पोस्टर लगवा दिए गए। गुरुद्वारे में खालिस्तान से जुड़े पोस्टर हाफिज के कहने पर गोपाल सिंह चावला ने लगवाए। हाफिज इस तरह से पंजाब जलाने के साथ साथ अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश में भी जुटा है और उसकी नजर पाकिस्तान में सिख समुदाय के वोट पर भी है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के सफाई से भड़का हाफिज, मैं सलाम पेश करता हूं अपने उन जवानों को। आतंक की हर चाल नाकाम होने पर आईएसआई बौखलाई, उन मुजाहिदों को। इसलिए घाटी के बजाय पंजाब जलाने की रची साजिश। जम्मू कश्मीर में नाकामी से पस्त आईएसआई ने हिंदुस्तान में आतंक की आग जलाने के लिए अब पंजाब को चुना है। इसकी जिम्मेदारी उसने हाफिज सईद को दी है जो अपने पुराने और भरोसेमंद साथी गोपाल सिंह चावला के जरिए खालिस्तान की आग भड़काना शुरू कर चुका है। गोपाल खालिस्तान का पुराना समर्थक रहा है। अगर हमने अपने बराबरी वहाँ पे बराबरी के सतह पे डायलॉग करने हैं, बातें करनी हैं, तो हमें हाफिज सईद साहब का साथ देना पड़ेगा। गोपाल सिंह चावला पाकिस्तान में बैठकर बरसों से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता रहा है, इसलिए वो पाकिस्तान में भारत विरोधी हर ताकत की आंख का तारा है। हाफिज से उसके रिश्तों की बुनियाद भी भारत विरोध पर ही टिकी है।
इसलिए हाफिज ने खालिस्तान की आग भड़काने के लिए गोपाल को आगे कर दिया है। हाफिज गोपाल सिंह की मदद से बिल्कुल भड़काना चाहता है, पर ये बिल्कुल वो उम्मीद ना करें, ये उनका सोच है बिल्कुल, और बिल्कुल नाकाम रहेंगे। जो सिख समुदाय है वो अच्छी तरह से समझता है कि उन किस तरह से वो शांति से जीना चाहते हैं। हाफिज के फरमान मिलते ही गोपाल ने खालिस्तान की मुहिम तेज करने के लिए पंजा साहिब गुरुद्वारे को चुना। यहाँ हर साल बैसाखी के मौके पर हजारों श्रद्धालु पहुँचते हैं। गोपाल ने इनके पहुंचने से पहले ही गुरुद्वारे में खालिस्तान से जुड़े पोस्टर लगवा दिए। एक दूसरी टैक्टिक से वो अपना रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको कश्मीर में काफी नुकसान हो रहा है वो समझ रहे हैं, इसीलिए वो पंजाब के जो लोग आ रहे हैं, जो खालिस्तान के थोड़े बहुत समर्थक हैं, उनके द्वारा पंजाब में हो सकता है कि वो किस तरह से उत्पात मचाने की कोशिश करें। गुरुद्वारे जैसी पवित्र जगह पर गोपाल ने आतंक की साजिश बेहद शातिर तरीके से रची थी। आप यहाँ पे आए हैं, ये देखो मुल्क की भी मसला होता है, हम नहीं चाहते कि मसला बने। अपनी साजिश को दुनिया से छिपाने के लिए ही उसने भारतीय राजनयिकों को गुरुद्वारे में शामिल नहीं होने दिया। इसके बावजूद भारत से पहुंचे श्रद्धालुओं ने उसे बेनकाब कर दिया। गोपाल का मंसूबा था कि इस पोस्टर के जरिए श्रद्धालुओं को भड़काया जा सकेगा, लेकिन श्रद्धालुओं ने ही उसका पर्दाफाश कर दिया। पाकिस्तान तो हमेशा भारत के खिलाफ साजिश करता रहा है, और जो हमारे जो यात्री जो गए हैं वहाँ पे, तकरीबन हर साल में दो दफ़े जाते हैं पंजा साहब गुरु नानक देव के लिए जन्मदिन के ऊपर, और हमेशा पाकिस्तानी उनको कोशिश करते हैं, और वो चाहते भी हैं कि वही लोगों को वीज़ा दिया जाए जो उनके थोड़े बहुत समर्थक हों। हाफिज ने खालिस्तान की आग भड़काने के लिए गोपाल को आगे करके एक तीर से दो शिकार किए। गोपाल के जरिए एक तरफ वो अपना आतंक का कारोबार तेज कर रहा है, तो दूसरी ओर अपने सियासी मंसूबों को भी आगे बढ़ा रहा है। इसलिए गोपाल हाफिज की मिल्ली मुस्लिम लीग के हर मंच पर नजर आता है। हाफिज गोपाल जैसे शख्स के जरिए पाकिस्तान में रहने वाले सिख समुदाय को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है, ताकि चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके।